दिया। क्या क्या नाम है? धर्मेंद्र। आपका नाम? धर्मधाम यादव। धर्म? धर्मधाम यादव। धर्मधाम यादव। आपका? राम सिंह। राम सिंह। आपका? कन्हैया लाल। किस कंपनी में जा रहे हो? कौन कंपनी देता है ना रिजल्ट अपना? राम सभा कंपनी। उनका नहीं पता। क्यों? कंपनी नहीं बताई। कंपनी बताई नहीं आपको? भी नहीं पता कंपनी? आपको भी कंपनी का नहीं पता? क्या नाम? ट्रांसगार्ड। आपकी? वही है ट्रांसगार्ड। सब लोग ट्रांसगार्ड में जा रहे हो? ट्रांसगार्ड में चारों हाथ में सेम पेपर है ना? है तो कंपनी भी सेम ही रहेगा ना? तो ट्रांसगार्ड किस काम में? काम कौन सा काम? इसमें क्लीनिंग वाले में। तो साफ सफाई। आप? क्लीनिंग। आप? क्लीनिंग। ये अभी तो हेल्पर थे। हेल्परी में तो मेरे भी साफ सफाई है। सैलरी क्या है आप लोगों की? सैलरी तो हमसे वहाँ झूठ बोल के बताया। मैंने 1200 पाओगे। तुमसे झूठ बोल के क्या बताया? मैंने 1200 पाओगे। 1200 पाओगे। किसने किसके कौन है एजेंट आपका? वो सुनो, किसका लड़का है ये? धानी अनिल सर के। ठीक है चलो, तो 1200 पाओगे हेल्पर में। हाँ बताए, मुझे मालूम नहीं अच्छी सैलरी क्या वहाँ मिलती है। आपको? मेरे को ऐसे बताया 1200। अच्छा आपको क्या बताया है? वो बताया 1100। 1100 कितने घंटे ड्यूटी है? 10 घंटे। 10 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे लंच। ठीक है। आपको? सैलरी हमारे 900 रुपये बताया है, 8 घंटे ड्यूटी है। चार लोग की 4 सैलरी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम सही हो, तुम भी लगभग ठीक ही हो। ठीक है, सैलरी आप लोग की इस पर क्या लिखी है ऑफर लेटर पे? पढ़े ही नहीं आप? पढ़े हो? आप भी नहीं पढ़े। आप पढ़े लिखे हो? ज्यादा पढ़े नहीं, 1100 है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, 1100 पढ़े हो? नहीं, 1100 बोल रहे थे। आप बताएं। हैं? 8 घंटे की ड्यूटी है। और 2 घंटा जो है वो टाइम। देखिए सुनिए भी आप लोग, ठीक है जो भी है, आप लोग की सैलरी जो है 8 घंटे की सैलरी और 1 घंटे लंच। 8 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा लंच की 900 है। ठीक है, इसपे लिखा हुआ है, देखिए 900 ड्यूटी लिखी है, 900 सैलरी लिखी है। नीचे लिखा है 9 घंटे इंक्लूडिंग 1 आवर्स ब्रेक, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे खाने का मिलेगा। टोटल 9 घंटे काम करना है, 900 सैलरी मिलेगी। ठीक है, बाकी जो ओवर टाइम मिलेगा वो अलग से मिलेगा। तो 2 घंटे कंपल्सरी ओवर टाइम लगभग होता ही है, तो करना ही होता है तीन में, तो वही 1050-1100 तक सैलरी बनती है। ठीक है, प्लस ओवर टाइम और चलता है क्लीनर पे, तो जो ही अपना मोटी मोटा दिमाग में रखे जाओ, खा पी के 25-26 हजार घर को भेज सकते हो। ठीक है, ये दिमाग में रखे जाओ। तो ये नहीं कोई जाके वहाँ पे बहुत करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे, वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, जैसे आपका बिल्कुल नहीं पढ़े, हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हो, अंग्रेजी भी नहीं, तो उस हिसाब से जो आपका ट्रेड है हेल्थ क्लीनर का, उसमें आपकी सैलरी वही लगभग खा पी के 24-25 हजार रुपए आपका बच जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट फ्री है, मतलब ट्रांसपोर्ट जो ड्यूटी पे आओ जाओगे वो फ्री है। ठीक है, मेडिकल फ्री होगा, दवाई बीमार उमार होते हो दवा कंपनी कराएगी। ठीक है, 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा है, विजिट पे आप लोग नहीं जा रहे, एम्प्लॉयमेंट वीजा है 3 साल का। ठीक है, कंपनी का नाम ट्रांसगार्ड है, क्लीनर का काम करेगा। समझा? कोई कंफ्यूजन? और आप लोग का जो सैलरी है इसमें देखिए, 500 इस पे जो सैलरी है इसमें 900 में से 100 लिखा है अटेंडेंस अलाउंस। जो पढ़े नहीं पढ़े नहीं कि ऐसे देख लो, इतना तो पढ़ लेते हो ना, 100 दरहम लिखा है ना, 100। ये आपका तब मिलता है जब आप ड्यूटी पूरी करते हो, मतलब ड्यूटी पूरी मतलब ऐसे जो सरकारी छुट्टी होगी, इसे 4 जुम्मा निकल गया जिसको फ्राइडे बोलते हैं, शुक्रवार, वो ड्यूटी, कोई त्योहार की छुट्टी पड़ रही, वो छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है, अपनी वजह से छुट्टी नहीं करते। बीमार होंगे तो मेडिकल रिपोर्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलेगा। अगर बेवजह से आपकी महीने की 26 दिन की ड्यूटी है, शुक्रवार हटाएंगे, 4 शुक्रवार हटाओगे, 26 दिन बचा ना महीने का, वो हटा दे, 26 दिन में भी आप पता लगा 5 दिन 4 दिन छुट्टी मार रहे हो बे, कि हम नहीं जाएंगे, मन नहीं है या वो नहीं है, तो भैया ये 100 दरहम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये अटेंडेंस अलाउंस है। अगर आप पूरी ड्यूटी करते हो, जो सरकारी छुट्टी मिलती है उसके अलावा छुट्टी फालतू की नहीं करते हो, बीमार होने का कोई दिक्कत नहीं, तो मेडिकल होगा तो उसका रहता है, भाई जनरल बीमार हो तब नहीं कटेगा, नहीं तो 100 दरहम काट लेगी कंपनी। ठीक है, वहां जाओगे तो इसीलिए आपका 800 पे एग्रीमेंट होगा, ये ऑफर लेटर कंपनी का, इस पे 900 लिखा है, मगर वहां पे जो एक बार एग्रीमेंट होगा वो 800 पे होगा, क्योंकि अटेंडेंस अलाउंस तभी मिलेगा आपको जब आप काम करोगे 26 दिन। बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बता देना, समझ में नहीं है फिर समझा दूंगा। संतुष्ट होना तभी जाना, और ना मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अभी हमने तुमसे कोई 1 रुपया लिया नहीं है, ठीक है, समझा। जो भी 24-25 हजार सर्विस चार्ज होता है वो सब सेटिस्फाई होने के बाद आपके जाने के बाद होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, समझा। ऐसा जी धमधरम जी समझा, कोई कंफ्यूजन है? तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 800 बता, 900 है। हाँ 900, 8 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे लंच मिलता, ठीक है। बीजा कितने साल का है? 3 साल का। एम्प्लॉयमेंट है, विजिट है? एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। कोई जब मेरी सारी भाषा उसको समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप लोग बहुत एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो। नहीं सही, एकदम क्लियर है ना, जाने को तैयार हो? भिजवा दे, साफ सफाई करनी हो जाके, मगर हाँ सीवर लाइन नाला रोड ये सब नहीं करना, वो अलग होते हैं, बल्दियाँ क्लीनर होते हैं। आप लोग जैसे ये ऑफिस है, इसके अंदर का मतलब इंडोर के हो, बैंक, हॉस्पिटल, मॉल, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे रहोगे, और अंदर का काम करना है, ये नहीं रोड का काम के लिए नहीं, वो अलग क्लीनर होते हैं, वो काम आपका नहीं है, ठीक है। आप लोग का जो भी होगा मशीन से होगा, हाथ वाला काम नहीं, झाड़ू लेकर लगे पड़े हो और मिट्टी फाड़ो, वो सब काम नहीं है, धूल मिट्टी वाला, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हो, कभी भी एजेंट को बताओ तरीके से, कोई प्रॉब्लम कोई हो दिक्कत होती है आप बताइए, हमारी जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है, 3 साल की, ठीक है सर।